नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यो भिडियोमा। म आज व्हाट्सएप युजरहरूको लागि यो भिडियो बनाएको छु। व्हाट्सएप युजरहरूको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू। आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो भारत के 34 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ी है। आपको पता है नशे का गलत कारोबार कैसे चलता है? पहले मुफ्त में नशे वाली चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं और जब नशे की आदत लग जाती है तब उसकी कीमत तय कर दी जाती है। फिर क्या होता है, उस नशे के लिए आदमी मजबूरी में कीमत भी देता है क्योंकि वो उस नशे का आदी हो चुका होता है। नशे के कारोबार का मूल मंत्र यही है और यही काम व्हाट्सएप ने आपके साथ किया है। व्हाट्सएप ने आपके सामने एक नई शर्त रखी है। ये नई शर्त बेहद खतरनाक है। पहले इन शर्तों को आप समझिए, फिर हम आगे की स्टोरी आपको बता। व्हाट्सएप ले एउटा न्यू फ्यूचर, एउटा व्हाट्सएप ले एउटा न्यू प्राइवेसी एन्ड पोलिसी निकालेको छ। एउटा न्यू शर्त हामीहरू अगाडि राखेको छ व्हाट्सएप ले, जुन अन्तर्गत हाम्रो व्हाट्सएप ले हाम्रो मोबाइलमा एउटा नोटिफिकेसन पठाउँछ, त्यसमा हामीहरूलाई एग्री गर्नुपर्छ। एग्री गर्नुहुन्न भने हामीलाई व्हाट्सएप युज गर्न मिल्दैन। अनि एग्री गरिहाल्नुभयो भने तपाईँको डाटा, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, लोकेसन र स्टेटसहरू र च्याटिङहरू सबै सेयर गर्छन् व्हाट्सएपले फेसबुकलाई, इन्स्टाग्रामलाई। एकदमै यो प्राइभेसी अन पोलिसी एकदमै हामीहरूको लागि खतराको घन्टी छ। सो केयरफुली रहनु होला। अनि यो व्हाट्सएपले यो फ्युचर 8 फरवरीसम्म हामीहरूको सबै जति व्हाट्सएप युजरहरू छन् सबको मोबाइलमा नोटिफिकेसन पठाउँछन् र एग्री गर्नुपर्छ। एग्री गर्नुहुन्न भने हाम्रो व्हाट्सएप ब्लक गरिदिन्छ र हामीहरूलाई व्हाट्सएप युज गर्न मिल्दैन। व्हाट्सएप युज गर्नको लागि व्हाट्सएपको न्यू प्राइभेसी र पोलिसी छन् जुनमा हामीहरूलाई एग्री गर्नुपर्छ र हाम्रो जुन डाटाहरू छन् त्यसमा त्यो लिक त 100% हुन्छन्। यो म आफै भनिरहेको छैन, यो म कुरा जुन भनिरहेको छु एउटा न्युजमा हेरेँ अनि पुरै एनालाइसिस गरेँ अनि सोसल मिडियामा पनि मैले धेरै पोस्टहरू हेरेँ, टेक्निकल गुरुजीको पनि हेरेँ, मनोज सारूको पनि हेरेँ, धेरैजना ठुला ठुला युट्युबरहरूको पोस्ट हेरेँ अनि त्यही भएर म यो जानकारी महत्त्वपूर्ण भिडियो म बनाएको छु। सो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र त्यो म जुन न्युज छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई हेराउँछु इन्डियाको न्युजमा, जो जी न्युजमा भनेको छ सबै के यसमा प्राइभेसी र पोलिसी छन् सबै आज म यो भिडियो मार्फत बताउँछु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। व्हाट्सएप चाहता है कि उसके यूजर्स उसकी नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए नोटिफिकेशन मोबाइल फोन पर आ रहे हैं। व्हाट्सएप अब आपकी हर जानकारी फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम से शेयर करेगा। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप के पास हर वक्त आपके लोकेशन की पूरी जानकारी होगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में आपके अधिकतर डेटा पर उसी का कंट्रोल होगा। आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भी व्हाट्सएप के पास मौजूद होगी। मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टेक्ट लिस्ट को व्हाट्सएप नियमित तौर पर अपलोड करता रहेगा। अगर आप कोई स्टेटस अपडेट करेंगे तो उस पर भी व्हाट्सएप की पूरी नजर बनी होगी। व्हाट्सएप कॉलिंग पर कौन किससे कितनी देर बात कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से पहले आपको व्हाट्सएप की आदत लगाई गई, अब ये शर्तों का पिटारा। और इसी तरह कई ऐसी शर्तें हैं जिसे लेकर इन दिनों व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। अगर आपके फोन में व्हाट्सएप है तो आपको भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन आया होगा या फिर हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। आपकी स्क्रीन पर हम जो इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं यही वो नोटिफिकेशन है जो भेजा जा रहा है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप इसे एक्सेप्ट करें या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। 8 फरवरी 2021 के बाद अगर आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, यानी कि ये जो शर्त है ये आपको माननी होगी। ये खबर दुनिया भर के अरबों लोगों से जुड़ी हुई है जिसमें करीब 34 करोड़ भारतीय हैं। दुनिया भर में करीब 2 अरब लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप यूजर्स हैं। आप ये भी जानते होंगे कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है, फेसबुक। यानी व्हाट्सएप के साथ साथ इंस्टाग्राम भी फेसबुक के पास है। अब व्हाट्सएप अपने यूजर्स के डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी शेयर करेगा। फेसबुक पर अपने यूजर्स का डेटा चुराने का आरोप पहले भी लग चुका है।
भारत